In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide Box Office Collection of Bollywood film Dhoom 2. Movie ka pura naam hai Dhoom 2 Back in Action, jo release hui thi 24 November 2006 ko. Ye ek Bollywood action thriller movie hai jisko 5 mein se 3.5 star ki rating di gayi thi. Iske director hai Sanjay Gadhvi, iske producer hai Aditya Chopra aur writer hai Vijay Krishna Acharya aur Aditya Chopra. Baat karte hain cast ki. Isme Abhishek बच्चन, ऋतिक रोशन, उदय चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बासु और रिमी सेन, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। अब जो फिल्म है धूम 2, ये धूम फिल्म सीरीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट है, साथ ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 34 साल 2004 में धूम उसका सीक्वल भी है। और धूम 2 का सीक्वल आया था साल 2013 में धूम 3 के नाम से, जो कि धूम फिल्म सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट है। अब इसके मेकर्स की प्लानिंग है इसका फोर्थ इंस्टॉलमेंट बनाने की, जिसका नाम या तो धूम 4 हो सकता है या फिर धूम रिलोडेड, उसके अलावा भी हो सकता है कोई और नाम हो। वैसे बता दें, फिल्म जो है ये पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिसको ब्राजील में जाके भी शूट किया गया था, यानी कि पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म को ब्राजील में जाके शूट किया गया था। खैर, बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 81 करोड़ 1 लाख रुपीज का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 113 करोड़ 92 लाख रुपए का, 113 करोड़ 92 लाख रुपीज का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 48 करोड़ 47 लाख रुपीज की कलेक्शन की थी। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 162 करोड़ 39 लाख रुपए का, 162 करोड़ 39 लाख रुपीज का। इसका बजट था 42 करोड़ का। अब 42 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 81 करोड़ 1 लाख रुपीज का, और इंडिया से बाहर ओवरसीज का 48 करोड़ 47 लाख रुपीज का। अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डिट की बात करें, यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि धूम 2 बैक इन एक्शन जो बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, यानी कि फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की। इसी कलेक्शन के साथ ये साल 2006 की बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में फर्स्ट हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। साथ ही बात की जाए गानों की, तो फिल्म के गानों की एल्बम के अंदर टोटल 6 गाने थे, सारे गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था प्रीतम चक्रवर्ती जी ने, और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे समीर अंजान ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।